Assalamualaikum everyone and welcome to Dental News Pakistan's digital channel. आइए हम एक ऐसे common concern पे बात करते हैं जो almost population में हर बंदे ने कभी ना कभी face किया होगा. क्या आपने कभी ठंडा या गर्म खाने या पीने पर एक sharp dental pain feel किया है? You're not alone. Tooth sensitivity एक वो uncomfortable situation है जिसको manage और prevent करने के काफी ways हैं. Let's get into some of the causes of teeth sensitivity. सबसे पहला cause जिससे दांतों में सेंसिटिविटी होती है वो आपके रिसीडिंग गम्स हैं. विथ एज या किसी भी कंसर्न के थ्रू जिसमें हार्श ब्रशिंग भी आ जाता है, अगर आपके गम्स आपके दांतों के सरफेसेस से दूर हो जाते हैं तो आपके रूट या रूट के सरफेसेस ओरल कैविटी या आपके मुंह में एक्सपोज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ठंडा और गर्म या सेंसिटिविटी फील होती है. और ये चीज ज्यादातर ओल्ड एज पेशेंट में पाई जाती है. टीथ सेंसिटिविटी का एक और कॉज इनेमल इरोजन है. इनेमल इरोजन वो केमिकल रिएक्शन है जो कि एसिडिक फूड या ड्रिंक की वजह से आपके ओरल कैविटी या आपके मुंह में हो रहा होता है. ये वो कंडीशन है जो कि आपके इनेमल, जो कि आपके दांतों का आउटर लेयर है, उसको इरोड या उसको डैमेज करती है. और उसी डैमेज और इरोजन की वजह से जो इनेमल के नीचे वाली लेयर है, जिसको आप डेंटिन कहते हैं, वो एक्सपोज हो जाती है. और इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा ठंडा और गर्म फील होता है. चिप्ड ऑफ टीथ या दांतों में क्रैक की वजह से काफी बार डेंटिन की लेयर एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ठंडा और गर्म लगता है. और ये वो सिचुएशन है जो कि आप एक रेगुलर डेंटल विजिट पे ज्यादा एक्यूरेटली एक्सप्लोर कर पाते हैं. गम डिजीजेस, जिसमें काफी अंडरलाइन कॉजेज भी हो सकते हैं, वो आपके गम्स को इन्फ्लेट और स्वेल कर देती है, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा फील होती है. आइए कुछ प्रिवेंटिव टिप्स पे नजर डालते हैं. आपका प्रॉपर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग और उसके साथ साथ आपका प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस आपको टूथ सेंसिटिविटी से बचा सकता है. इनेमल इरोजन से बचने के लिए और एक प्रॉपर ओरल कैविटी को सेंसिटिविटी से बचाने के लिए जरूरी है आपका डाइट मैनेजमेंट. आपको शुगरी और एसिडिक ड्रिंक्स से प्रिवेंट करना होगा, जिसकी वजह से आपकी टूथ सेंसिटिविटी लिमिट या खत्म हो सकती है. सेंसिटिविटी के लिए कुछ टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स आपके दांतों को डीसेंसिटाइज करते हैं, जिससे एक्सट्रीम सेंसिटिविटी से आप बच सकते हैं और आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं. ब्रुक्सिज्म और टीथ ग्राइंडिंग कुछ अनहेल्दी ओरल हैबिट्स हैं, जिनसे प्रिवेंट करना आपको टूथ सेंसिटिविटी से बचा सकता है. सो इफ यू कम अक्रॉस एनी ऑफ दीज अनहेल्दी हैबिट्स, मेक श्योर कि आप अपना एक डेंटल विजिट करें. आपका डेंटिस्ट आपको एक प्रॉपर माउथ गाइड एडवाइस करता है, जिसके थ्रू आप इन ओरल हैबिट्स जो कि अनहेल्दी हैं, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपकी टूथ सेंसिटिविटी लिमिट और प्रिवेंट हो जाती है. A number of treatment options are available, जिसमें सबसे पहले आपकी desensitizing toothpaste आ जाते हैं. Over the counter desensitizing toothpaste available हैं, जो कि आपकी uncomfortable tooth sensitivity को limit करते हैं और आपको अच्छा feel करवाते हैं. आपके लिए जरूरी है कि आप professional dental visits करें, जिसके through आपका dentist आपको एक proper treatment plan देता है और preventive मेजर्स परफॉर्म करता है, जिसमें डेंटल सीलेंस, फिशर सीलेंस और फ्लोराइड एप्लीकेशन थेरेपीज होती हैं और वो आपको दांतों की सेंसिटिविटी से बचाने में काफी हेल्पफुल होती हैं. कुछ गम डिजीजेस के अंडरलाइन कॉजेस को जानने के लिए आपको जरूरी है कि आप रेगुलर डेंटल विजिट्स करें,
जिसकी वजह से आपका डेंटिस्ट उन अंडरलाइन कॉजेस को डिटेक्ट कर सके और आपकी टूथ सेंसिटिविटी को प्रिवेंट और लिमिट कर सके। टू सम अप, टूथ सेंसिटिविटी इज अ बॉदरसम इशू, लेकिन ये प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल है। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, आप रेगुलर डेंटल विजिट्स करें और साथ साथ अनहेल्दी हैबिट्स और अनहेल्दी डाइट को अवॉइड करें। सो इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग टीथ सेंसिटिविटी, इट्स बेटर टू कंसल्ट योर डेंटिस्ट फॉर अ प्रॉपर एडवाइस एंड अ प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी अगर आप टीथ सेंसिटिविटी के इशू को फेस कर रहे हैं। अगर आपको टीथ सेंसिटिविटी से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन, कंसर्न या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेंटल न्यूज़ पाकिस्तान डिजिटल चैनल। अल्लाह हाफिज़।